नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 17 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? अब ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो तीन कोण बनते हैं और उसमें एक कोण सबसे बड़ा कोण है जिसका वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा या लॉन्गेस्ट साइड कहलाता, बाकी दो है छोटे, दो साइड हैं। अब इसमें क्या होता है, इस छोटी भुजाओं का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब हम प्लस करते हैं तो बड़ी वाले भुजाओं का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब आइए देखिए क्या कहता है। कहता है द राइट द ट्रायंगल आर राइट एंगल एट सी, यानी सी पर समकोण है, दोनों त्रिभुज में सी पर समकोण है। समकोण के सम्मुख भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, अभी हमने बताया ये सबसे बड़ी भुजा होगी। अब दोनों त्रिभुज में निम्नलिखित गणना पर विचार करें, ए बी स्क्वायर तो सबसे बड़ी भुजा हो गई, इसमें भी तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जो करेंगे तो ये 25 हुआ, और इसमें 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया। अब बी सी स्क्वायर यानी ये, तो बी सी क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 64 हो गया। अब ए सी स्क्वायर देखते हैं, 4 है, यहाँ पे 6 है, ए सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। अब आइए आगे, आगे कह रहा है जो कि इसमें बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को देखें, बी सी स्क्वायर आपको 9 था और प्लस 16 ए सी स्क्वायर, जिसको जोड़ेंगे तो यह 25 हो गया। यहाँ भी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यदि करते हैं तो ये 64 प्लस 36 यानी 100 हो गया, और ए बी स्क्वायर क्या था, ए बी स्क्वायर 25 है, और यहाँ भी ए बी स्क्वायर क्या है, 100 है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ भी दोनों को वैल्यू बराबर है तो कह सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर, यानी दो बड़ी भुजाओं का जो वर्ग है बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर जोड़ के बराबर है, यानी स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। हम इस तरह से हम निष्कर्ष निकालते कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है, ऐसी संख्याओं को हम पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। यानी ऐसे तीन नंबर स्क्वायर्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स, सेट ऑफ सच नंबर इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे ट्रिपलेट, ऐसे तीन नंबर जिसमें बड़ी भुजाओं का वर्ग, जैसे इसमें देखा आपने 3, 4, 5 था, दूसरे में 6, 8, 10 है, तो बड़ी भुजा का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर जोड़ के बराबर होता है, तो इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब इसको पता करने का है, यदि आपके पास कोई भी इवन नंबर है, अब जैसे कोई भी देखिए, जैसे यहाँ पे 6 लिया है तो कोई भी इवन नंबर लीजिए, टेक
एनी इवन नंबर जिससे दो से भाग लगे, जैसे यहाँ पे एक चार लिया गया है तो एन बराबर में हमने चार ले लिया। इवन नंबर का हम कैसे लिखते हैं, टू एम इजकल टू फोर हो गया, तो एम इजकल टू क्या हो जाएगा, एम इजकल टू हो जाएगा फोर बाई टू यानी टू। अब कह रहा है जो बाकी दो है वो होना चाहिए, बाकी दो भुजा होना चाहिए एम स्क्वायर माइनस वन और दूसरा होना चाहिए एम स्क्वायर प्लस वन, यानी दो का स्क्वायर करेंगे तो चार और माइनस वन तो तीन हो गया और दूसरा हो जाएगा चार प्लस वन यानी पाँच हो गया। तो इस तरह से ट्रिपलेट बना तीन चार पाँच, यानी कोई भी हम इवन नंबर लें यानी 2m लेंगे तो एक तो 2m होगा और दूसरा होगा अब एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन, ये तीनों मिलकर के ट्रिपलेट बनेगा। तो ये हम कोई भी इवन नंबर से हम बना सकते हैं। इस तरह से कह रहा है, देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 12, तो 12 अब देखें या तो किसी स्क्वायर से एक कम हो या स्क्वायर से एक ज़्यादा हो तो उससे भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर से तो मतलब इवन नंबर है तो स्क्वायर से एक कम यानी एक तो 11 बैठ रहा है, एक 13 बैठ रहा है, तो कोई भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अब आइए 2m इजकल टू हमने 12 लिया तो m इजकल टू क्या हो जाएगा 6। अब एक हो जाएगा m स्क्वायर माइनस वन यानी 6 का स्क्वायर माइनस वन यानी 36 माइनस वन 35 और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस वन यानी 6 का स्क्वायर प्लस वन यानी 36 प्लस वन यानी तो 37। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना आपका 12, 35 और 37, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।